दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं जो सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। मैं आपको उस इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत करीब से जानते थे। वो उनके रिश्तेदार नहीं थे, उनके दोस्त नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके साथ जो करीबी थी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उस इंसान की जो नारियल पानी पिलाया करते थे सिद्धार्थ शुक्ला को। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहे हैं, अपनी सेहत को लेकर उन्होंने हर चीज़ वो की है जो ज़रूरी होती है, और नारियल पानी जो था वो रोज़ पिया करते थे, कम से कम हर दूसरे दिन तो वो पिया ही करते थे। और उनका फेवरेट जो नारियल पानी पीने का जो स्पॉट था और वहाँ पे जो इंसान वो नारियल पानी बेचता था, अब उसने सामने आके सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर ऐसी बातें कही हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि शख्स का नाम है चंदन। चंदन जो है वो बताते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला उनके पास अक्सर नारियल पानी पीने आया करते थे और उनके साथ एक कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती तक हो गई थी। सिद्धार्थ शुक्ला उनसे उनका हालचाल पूछते थे, उनके घर वालों का हालचाल पूछते थे और अक्सर उनसे नारियल पानी ले जाया करते थे। अब जब 2 सितंबर को ये खबर सामने आई कि सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहे, तो चंदन का कहना है कि उन्हें तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि ये बात सच है। उन्हें लगा कोई मजाक कर रहा है, किसी तरह का कोई रूमर फैल चुका है। लेकिन जब फाइनली ये बात सामने आई कि वो सच में नहीं रह गए, तो चंदन कहते हैं कि मैंने कम से कम 2 हफ्ते तो दुकान ही नहीं खोली है। मैं इतना सदमे में था कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये बात सच है। चंदन ने ऐसी बातें कही हैं कि मैं उनसे कुछ पलों के लिए ही मिलता था, कभी कभार ही मिलता था, लेकिन उनके साथ जो मेरा रिश्ता बन चुका था, उनके साथ जो मेरी बॉन्डिंग बन चुकी थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था इस चीज़ पर विश्वास करना। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि सिद्धार्थ शुक्ला जो मेरे साथ अक्सर यहाँ पर नारियल पानी पीने आया करते थे, वो अब नहीं आया करेंगे। तो चंदन ने बहुत ही भावुक बातें कही जहाँ पे उन्होंने अपने दिल की बात सामने रखी। और ऐसे चंदन ही नहीं, ऐसे तमाम लोग हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड सिद्धार्थ शुक्ला के जो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें की। और तमाम लोग जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उन सभी का ये मानना है कि इस खबर के बाद मानो वो टूट से गए हों। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।